तो गेमर्स, आज वापस से स्वागत है आपका एक और न्यू खतरनाक सी गेम प्ले वीडियो में। आज तुम्हारा भाई चिंचैन की गेम खेलने जा रहा है और मुझे पता है ये जो मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा दिनों बाद आ रही है क्योंकि मैं बीच में फ्री फायर में बिजी हो गया था और गाने वाने बनाने लगा था, बट आज तुम्हारा भाई खेलने जा रहा है चिंचैन 3D। अब गाइस, इस गेम को जिसने बनाया है उसका नाम है वैभव, और जो कि मेरा एक फेवरेट यूट्यूबर है और वो काफ़ी ज़्यादा फनी बंदा, और ये गेम भी काफ़ी ज़्यादा फनी होने वाली है, तो फटाफट से हम प्ले करके देखते हैं। तो दोस्तों, गेम हमारा यहाँ पे चालू हो चुका है और आते ही हमें एक मिशन मिल चुका है, मतलब हमें शीरू को बचाना है जो कि इसका एक पेट है, और इसका पेट इधर ही कहीं होगा, पता नहीं कहाँ है। बाकी इसका घर तो देखो एकदम सेम टू सेम लग रहा है, और इधर ये पूरी पूरी जायमोन क्या कर रहा है भाई। ओके, सी ऑफर्स, अच्छा ये मतलब हमें अच्छी खासी चीज़ें देगा, और जो कि थोड़ा भाई गेट हैरी सॉक्स, भाई सॉक्स ही लेंगे। बाकी 2000 रुपये का वेल, अभी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तो इधर से हम बैक हो जाते हैं। और बाकी इस टाइम पे हमें शीरू को ढूंढना है, कहीं कहीं होगा शीरू। बाकी मैप के अंदर एक बार चेकआउट करते हैं कि अगर शीरू है कहाँ। भाई मैप के अंदर तो बस 2 गार्डन है और कुछ है ही नहीं। बाकी ओके, यहाँ पे एक स्टिक पड़ी हुई है, एक स्टिक ले लेता हूँ। अरे वाह, हिंदी में वॉइस ओवर, क्या बात है सर जी। बाकी इधर तो गार्डन हुआ करता था भाई। चलो ठीक है, इधर नहीं, कोई बात नहीं। बाकी शीरू का घर मुझे मिल चुका, इसके अंदर ही शीरू होगा। शीरू किधर है भाई, इधर से तो गायब हो चुका है। आखिर शीरू को कौन लेके यहाँ से गया। बाकी ये चीज़ तो हमें ही पता करनी है कौन लेके गया है। और यहाँ पे 2 गार्डन है, शायद से इन दोनों गार्डन में से ही कहीं शीरू हो सकता है। तो एक काम करते हैं, पहले छोटे वाले गार्डन में चेकआउट करते हैं, क्या पता हमें वहाँ पे शीरू मिल जाए और हमारा पहला टास्क कम्प्लीट हो जाए, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। चलो चलो फटाफट से चलते हैं। ओ भाई भाई, ये भाई तलवारें लेके आ रहे हैं, तो ओ भाई एक्शन काम है, तू इधर क्या कर रहा है और किस तरीके से वो बेहोश है भाई। ये 3-4 लोगों ने आखिर इसे पकड़ कैसे लिया। बाकी फालतू की बातें छोड़ते हैं और इन लोगों को पीटते हैं। बस पिछली बार मैंने एक्शन कामे को नहीं छुड़ा पाया था क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर वेपन है, तो एक काम करते हैं इससे मैं एक तगड़ा सा वेपन ले लेता हूँ। बाकी इधर हेनरी सॉक्स, वो तो भाई 2000 का, ये तो मैं व्हाट एक्शन कामे हैड, ये तो भाई 2500 का, ये मिल जाता तो भी काम हो जाता। बाकी ओके, यहाँ पे एक सॉर्ड मेरे को नज़र आ रही है जो कि बजट में है हमारे भाई, इसे हम खरीद लेते फटाफट से। बट मेरी सॉर्ड कहाँ है भाई, सॉर्ड तो दे दे। अबे नूब, मेरी सॉर्ड दे दे, कहाँ जा रहा है। बाकी गाइस, ये बंदा है ना इस घर की तरफ लेके आ चुका है, पता नहीं इस घर के अंदर क्या है भाई, शीरो वीरो दे रहा है क्या। बाकी मैंने तेरे से सॉर्ड मांगी है, अगर तू मेरा मिशन कंप्लीट कर दे। ओके, यहाँ पे तलवार है भाई, ये हुई ना बात। बाकी अब मेरे को मिल चुकी है फाइनली एक तगड़ी सी तलवार, और अब जाके मैं अपने एक्शन काम में हीरो को बचा सकता हूँ। तो लेट्स गो, आ जाओ बैड पूरी पूरी प्रिजनर्स, अब होगा ना बराबरी का मुकाबला भाई, अब मेरे पास भी सॉर्ड है, आ जाओ। A few moments later. Guys, finally मैंने सबको मार दिया और हमारे भाई वो गायब हो गया। नहीं नहीं, ये कार्ड में बदल गया है क्या। ओके गाइज, हमारा जो एक्शन काम है हीरो है ना, उसकी गाइज यहाँ पे हमें एबिलिटी मिल चुके हैं, और अब गाइज हम गार्डन में जाते हैं शीरू को चेकआउट करने के लिए क्योंकि अभी तक हमारा मिशन कम्प्लीट नहीं हुआ, हमको शीरू को ढूंढना था। तो चलो ठीक है, गार्डन यहीं पे ही है, फटाफट से यहाँ से चलते हैं। और हाँ, गार्डन में अगर ज़रूरत पड़ी तो एक्शन कामे को हम बुला लेंगे और वो हमारी पूरी पूरी हेल्प करेगा, आपको तो पता ही हो कितना पावरफुल है। ओके, यहाँ पे सामने गैंग है, बट मुझे किसी से डर नहीं लगता क्योंकि अपने पास है एक्शन कामे, कहीं इनसे टाइम पास करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से हम चुपचाप से निकल लेते हैं, बस वो कैक्टर से बचना पड़ेगा। भाई वो कांटे कांटे फेंक के मारता है, ए भाई ये अटक कैसे गया, मर गया मैं तो मम्मी रे। ओ भाई भाई भाई, अच्छा हुआ मैं यहाँ से बच गया, बाकी मेरी एच पी काफ़ी ज़्यादा कम बची हुई है, बट कोई बात नहीं, हमारे पास एक्शन काम है। और गार्डन में चेकआउट करते हैं कि आखिर, ओ भाई ये इधर बच्चे तो है ही नहीं, ये तो आतंकवादियों का कैंप है भाई, इधर हर कोई तलवार लेके घूम रहा है। बाकी गाइस इधर है ना, हमको अपना काम करना है, इन्हें इग्नोर करते हैं, इधर हमको कहीं शीरो तो खैर मिल नहीं रहा। ओके, ये प्रिजन में कौन है और वो डांस कर रहा है भाई, ये तो चिंचैन की क्रश है भाई, ये इधर डांस क्यों कर रही है, लगता है इसे भी हमें आज़ाद करना पड़ेगा, और हाँ क्रश के नाते तो मुझे करना ही पड़ेगा। बाकी यही है सही वक्त, एक्शन काम है, बाहर आ जाओ। ये क्या कर रहा है भाई, यहाँ भाई ये घुटनों के भर क्यों बैठा है भाई, बचा ले। अरे यार मुझे बचा, अरे वो तो उधर पाद रहा है भाई, ये कर क्या रहा है, अरे बचा भाई मुझे बचा, ये पाद, और उसकी चाले देखो, ये लड़की ऐसी उसकी चाले हैं यार, लगता है वो पागल हो चुका है। गाइस मैं किस उम्मीद में था कि ये एक्शन काम है हमारी मदद करेगा, वो उसने बस पादने का काम किया और उसने कुछ नहीं किया, नालायक था एक नंबर का। बाकी मुझे ही अब इनसे फाइट करनी पड़ेगी, अपने क्रश के नाते मुझे ही इनसे लड़ना पड़ेगा, बाकी इनकी गैंग कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, वेल अब क्या ही कर सकते हैं, यही एक मौका है, तो लेट्स गो। क्यों ना बात, हम भी किसी से कम नहीं।
गाइस एक्शन काम एक नंबर का धोखेबाज निकला। मतलब बुरा वक्त जब मेरे पास आया तब उसने भाई मतलब क्या कर रहा था, पाद रहा था लिटरली। बाकी गाइस मुझे अपने शीरू को बचाना पड़ेगा। और छोटे वाले गार्डन में तो हमने चेक कर लिया, इधर बस हमारी क्रश है और कोई भी नहीं। बाकी हाँ बड़ा वाला गार्डन रह गया है, इसके अंदर भी मैं एक और बार चेक कर लूँगा। और हाँ मुझे अपनी क्रश को भी छुड़ाना है क्योंकि भाई कुत्ते से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी क्रश मने को दी है। गाइस मैंने थोड़ी जानकारी ली और इस गेम का जो सबसे तगड़ा वेपन है उसका नाम है एक्शन हेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा एक्शन हेड। ये अगर हमको मिल जाएगा ना तो हम इजीली अपनी मनेको दीदी को भी छुड़ा लेंगे और इजीली हर एक मिशन कर लेंगे। बाकी ये काफ़ी ज़्यादा महंगा 2500 का है और इतने रुपए मेरे पास नहीं है। और देखो बहुत ही ज़्यादा गरीबी चल रही है, इतने रुपए मेरे पास इतने क्या उसके आधे के आधे भी नहीं है। बाकी इसकी मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो फिर मैं स्टे विथ यू कर देता हूँ, और ज़्यादा पैसे भी नहीं ले रहा तो फिर इसे मैं बाय कर देता हूँ। अब मुझे हेल्थ वेल्थ या किसी भी चीज़ की ज़रूरत रहेगी तो ये मेरे साथ ही साथ रहेगा, तो इससे मैं इजीली खरीद सकता हूँ। और बाकी लेट्स गो चलते हैं बड़े वाले गार्डन में, ताकि उधर मुझे शीरू मिल जाए या तो मुझे कुछ पैसे मिल जाए तो फिर मैं एक्शन हेड तो भी ले पाऊंगा। गाइस मुझे इन रास्ते में साइकिल मिल चुकी थी, तो फिर देखो ये साइकिल से कितनी ज़्यादा स्पीड में चलता है। अब मुझे कहीं भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा ना तो फिर उस बात की कोई टेंशन नहीं क्योंकि अपने पास रहेगी साइकिल। और मैं बड़े वाले गार्डन में भी एकदम इजीली आ चुका हूँ। अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। भाई यहाँ पे आके रह गया, ओके वो भैंस की आँख ये क्या, यहाँ पे भी इनने अपना अड्डा बना के रखा है। बाकी इनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं, यहाँ पे मुझे शीरू मिल जाएगा तो फिर मेरा काम हो जाएगा, या तो कुछ पैसे ही दे दो। भाई ये गार्डन वार्डन पूरा खाली हो रखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मतलब हम शीरू को ढूंढेंगे कैसे, पूरा मैप के अंदर कहीं हमें लोकेशन दिखाई नहीं जा रही और बस ये दो ही जगह है और हमने दोनों जगह को चेकआउट कर दिया। बस हमें एक जगह पे क्रश मिली और यहाँ पे कुछ हमें मिल नहीं रहा। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारी जो क्रश है उसको शायद से मालूम है शीरू के बारे में, तो हमें सबसे पहले अपने क्रश को छुड़ाना पड़ेगा, तब जाके हमें कहीं शीरो का पता चल पाएगा कि आखिर शीरो है कहाँ। तो सबसे पहले क्रश को छुड़ाना पड़ेगा और क्रश को छुड़ाने के लिए चाहिए हमें एक्शन हेड। और एक्शन हेड दो ही तरीके से ले सकते हैं, या तो हम पैसों से ले सकते हैं और या तो हम मतलब ढूंढ के ले सकते हैं। और ढूंढ के तो मुझे कभी भी नहीं मिलने वाला क्योंकि मैप काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और मैं कहाँ ही ढूंढूंगा, मतलब यहाँ पे किसी चीज़ की लोकेशन बताते ही नहीं। तो हमें पैसे कमा कमा के ही एक्शन हेड लेना पड़ेगा। और पैसे हमें पता कैसे मिलते हैं, छोटे मोटे गुंडों को मार के हमें थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, मतलब 20-25 रुपये मिल जाते हैं। और ऐसे कर करके हमें पूरे 2500 रुपये जमा करने पड़ेंगे और तब जाके हम एक्शन हेड ले पाएंगे। गाइस काफ़ी मुश्किल के बाद मैंने एक्शन हेड परचेस कर लिया और अब जाके मैं अपने मनेको दीदी को छुड़ा पाऊंगा और अपने शीरू का भी पता कर पाऊंगा कि आखिर शीरू है कहाँ। और बाकी इसकी पावर्स तो देखो, देखो भाई जंप्स देखो कितनी ज़्यादा ऊपर ऊपर तक जा रही है और इसकी रनिंग स्पीड भी देखो कितनी ज़्यादा बढ़िया, और आंखों से लीजर बीन फेंक रहा है। और हाँ अगर आपको इसके आगे की स्टोरी जाननी है तो सेकंड पार्ट में इसका डालूंगा। आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे जल्दी इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।